अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सायम सुलेरी और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए बहरिया ग्रीन्स के ऊपर कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है बहरिया टाउन ग्रीन्स के नाम पे, जहाँ पे 75 गज यानी कि 3 मरला के प्लॉट्स आपको दिए जाएंगे 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर। 4 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट रखी गई है। मलिक साहब का इसके ऊपर एक वीडियो पैगाम भी आया जिसके अंदर बताया गया कि गरीब लोगों के लिए जो लोअर तबके से या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं वो अपना घर बना सकते हैं। इसका जो लेआउट प्लान है उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 4 बेडरूम के ऊपर रहते हुए ये बनेगा। इसकी लोकेशन किस जगह पे? इसकी लोकेशन आ रही है प्रीसेंट 38 के पास यानी के स्पोर्ट्स सिटी के पास। सवाल सिर्फ इतना सा है, बहुत सारे लोगों का भी होगा कि क्या पहले वाले पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स लोगों को अलॉट कर दिए गए, क्या उनके ऊपर लोगों के जो वाजिबात थे वो दे दिए गए? अब यहाँ पे कंसर्न रहेगा देना शुरू कर दिए गए, लेकिन ये वो पैसे हैं जो अभी देना शुरू किए हैं, जो पहले से साल साल डेढ़ डेढ़ साल जिनको हो चुका हुआ है उनको रिफंड करना शुरू किया है। हो सकता है कि ये एक चार्म हो के दिखाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। इसके बरक्स अगर हम देखें कि जो सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट था वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, वहां पे इस वक्त माइनस का रेट चल रहा है, लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। जब तक बहरिया टाउन अपने तमाम मामला को दुरुस्त नहीं करता तब तक लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। मानने वाली बात है, फैक्ट वाली बात है कि बहरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में दूसरा कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानने वाली बात है जो लोग इसके इफेक्टिव हैं, जब तक उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तब तक मजीद कोई भी बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अभी ये इसके अंदर भी वही सा तमाम सिनेरियो के जगह अभी पता कोई नहीं है। 4 लाख रुपए से आप बुकिंग करवाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद यही होगा कि पहली जब आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो तब बैलेटिंग की जाएगी कि आपका प्लॉट कहाँ होगा। इससे तो बहुत बेहतर है कि लोग ASF की तरफ मूव कर जाएं, यहाँ जहाँ पे आपको कम से कम ये तो पता है 16 लाख रुपए की फुल पेमेंट करनी है, आपके पास मजीद कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है और जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसके साथ आपका प्लॉट नंबर भी दिया जा रहा है। या उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है कि जो शुरू में बहरिया के जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो शॉप्स बन रही हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, जहां पे एक गेट से करीब तक जगह के अंदर तमाम इम्यूनिटीज के साथ, तमाम सहूलियात के साथ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों का ये आ रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑन ग्राउंड हमें दिखाई जाए कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ पर है, ताकि हमें भी पता हो कि जी हमारा ये प्लॉट है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी भी ये शिकवा है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं इस हवाले से कि जो हमें प्लॉट्स दिए गए, जो चीजें दी गई वहां पे तो हमें बताया ही नहीं गया, पता ही नहीं था कि हमारा प्लॉट कहाँ पे था और किस वक्त चेंज कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बहरिया टाउन मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी और ये चीजें इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस चीज को कि ये आपको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मुस्तहकम चीज, या तो प्लॉट पहले लेकर आया जाए ताकि पता हो कि उतने ही लोग बुकिंग करवाएं उसकी, उतने ही लोग उसकी डाउन पेमेंट दें। फिर यहाँ पे कुछ जो रियल एस्टेट एजेंसीज थी, रियल एस्टेट के जो एसोसिएशंस थी, वहां से भी एतराजात आना शुरू हुए कि हमारे जो इनके सब मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा वो भी अभी ट्रेडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो किस तरह से करेंगे ट्रेडिंग, किस तरह से अपने क्लाइंट को ये पैगाम देंगे कि हाँ वो बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर ले, जबकि पहले के 35% के जो डेवलपमेंट के जो अभी तक जो उसका मामला था वो क्लियर नहीं हो सका। जमात इस्लामी जो भी अपना रोल अदा करना था वो एक दिखाना था उन्होंने कि जी उन्होंने किरदार अदा किया और वो साइड पे हो गए, उसके बाद जमात इस्लामी का भी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और कहाँ तक उनकी जो बातचीत हुई थी उसका क्या लाहेअमल, क्या तरीकाकार, क्या नतीजा निकला। एग्रीमेंट तो साइन हुआ लेकिन अब आपके सामने कुछ नहीं आया, तो लिहाजा अभी जो लोगों की मर्जी, जो इस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि लोग ये चाह रहे हैं कि उनको ऑन ग्राउंड चीज दी जाए। बहरिया टाउन नो डाउट उस जैसा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज होगी तो लोगों का एतमाद ज्यादा आएगा। तो लिहाजा बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि वो इस चीज पर अमल करें और गौर करते हुए इस चीज को देखें कि जो चीज ऑन ग्राउंड है उसको लेकर आया जाए ताकि लोगों का एतमाद बहरिया टाउन के ऊपर दोबारा से हो सके। और इसके अंदर फिर एक और कंसर्न आ जाएगा कि लीज होगा या नहीं होगा, ये मामला बहुत डिफिकल्ट है, अभी क्लियर नहीं है। तो लिहाजा इस चीज को भी देखा जाए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।